Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साथी यहाँ पर आपको देख रहे हैं YouTube पर, ये सेशन यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल YouTube चैनल पर ये लाइव हो चुका है, वहां पर बहुत सारे साथी हमारे देख रहे हैं, तो आपका चेहरा बहुत ही बेहतर तरीके से उनको पूरा नजर आएगा अगर आप फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में करके बैठेंगे। और तीसरी चीज ये है कि प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठें, साउंड वाली जगह पे ना बैठें जहां पर आप सही तरीके से आज के सेशन को अटेंड कर पाए, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा साथियों को आज का ये लिंक शेयर कर दें ताकि बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर आ जाएं और आज जो हमें सीखने को मिलने वाला है उनकी पूरी जानकारी बहुत ज्यादा से ज्यादा साथी ले पाए और अपनी टीम में उस नॉलेज को डुप्लीकेट कर पाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी साथी अपनी अपनी टीम में एक बार फटाफट जूम के लिंक शेयर कर दें, यूट्यूब के लिंक शेयर कर दें, क्योंकि महीने में एक दिन तुलसी पेंट का सेशन मिलता है हमें, और ये बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग कि आज हमारे बीच में रिस्पेक्टेड सुमित सर हैं। सर आपका भी स्वागत है आज के इस सेशन में। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है सर, 500 लोग लगभग हो गए हैं, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल सर रहता है इस प्रोडक्ट पे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो साथी, उनको पता है 8 बजे ठीक हम लोग सर इस सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि रिस्पेक्टेड टीसी सर हमेशा से ये सिखाते रहते हैं अनुशासन किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान को महान बनाता, तो हम सब लोग अनुशासन में रह करके अपनी पूरी टीम को यहाँ पर फटाफट बुला लें ताकि आज का ये शानदार सेशन जिसमें कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, और आज का जो पोस्टर हमारे बीच में आया है कुछ नए अनाउंसमेंट को लेकर के आया है, तो वो क्या है नया अनाउंसमेंट ये जानने के लिए हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज का सेशन, जब सुबह सुबह पोस्टर आया आज का कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट आज होने वाले हैं, तो बेसब्री से पूरी टीम इंतजार कर रही है। YouTube पे जो भी साथी हमें देख रहे हैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। 7:58 हो गए हैं और जो भी हमारे साथी यहाँ पर आ गए हैं एक बार अपना प्रॉपर वीडियो जरूर ऑन करके बैठें ताकि इससे टू वे कम्युनिकेशन होगा और हम सब लोग टू वे कम्युनिकेशन से एक दूसरे की चीजों को समझ पाएंगे, बातों को समझ पाएंगे, और आज जो भी चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है। वैसे भी मार्च का महीना है, सब लोगों को पता है मार्च का महीना खास होता है, और ये फर्स्ट वीक में ही हमें तुलसी पेंट का ट्रेनिंग मिल रहा है, तुलसी पेंट के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो मार्च और भी सुपर मार्च हो सकता है हमारे लिए कि अगर हम लोग इसको बेहतर तरीके से तैयार करें। तो हमारे बीच में लखन सर को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं, तो SP सिंह सर नजर आ रहे हैं, हरविंदर सिंह नजर आ रहे हैं, तो मुस्कुराइए कि आप तुलसी पेंट के सेशन में हैं। जो साथी नहीं भी मुस्कुरा रहे हैं वो भी मुस्कुराना शुरू करिए, और आप सब लोगों की मुस्कुराहट के बीच, आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच, डिजिटल क्लैपिंग के बीच मैं वेलकम करता हूं तुलसी पेंट से रिस्पेक्टेड सुमित सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जय आसियम साथियों, मैं बहुत एक्साइटेड और सचमुच कभी कभी सोचता हूँ तो महीने में एक बार आप सभी से इस UES के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि इस एक सेशन में न जाने क्या क्या बोल, इस एक सेशन को कैसे इस्तेमाल कर, तो कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि आमिर जी आप मेरा सेशन या लखन जी आप मेरा सेशन किसी और हमारे साथी को होस्ट करने दें आप, क्योंकि जो जिन दो लोगों ने तुलसी पेंट का सेशन जो होस्ट करते आए हैं वे आज तुलसी पेंट में धमाके कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये मौका हम और भी किसी साथी को हमारे बीच दे, क्योंकि क्या है पता नहीं, शायद कोई वो कहानी है कि जब कोई तुलसी पॉइंट का सेशन होस्ट करता है तो फिर उसको धीरे धीरे शायद इस बारे में समझ आने लगता है। ये रंग ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा धीरे से चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो सोने नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार इस बिजनेस को कोई समझ लेता है, एक बार इसके पोटेंशियल को कोई जान लेता है, एक बार इसके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं उसको थोड़ा सा चख लेता है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है, तो फिर ना सोता है और मैं कहूंगा ना हमें सोने देता। तो इस प्रकार का यह रंग है और मैं चाहूंगा कि आज जितने साथी, लगभग 850 साथी यहाँ और YouTube पर भी कई सारे साथी होंगे, कि ये रंगों का त्योहार है और इस रंगों के त्योहार पर मैं चाहूंगा ये रंग कुछ इस प्रकार
आपके जीवन में आए कि आपके पूरे जिंदगी के ढंग को ही बदल, और ये रंगों वाला हमारा प्रोडक्ट है और बिल्कुल लोगों के घरों को, सपनों के घरों को तो रंगीन बनाएगा ही, लेकिन इस पर काम करने वाले के सपनों को भी रंगीन बनाने की ताकत ही रहेगा। कुछ ऐसे रिजल्ट, कुछ ऐसी आंधी मैं बोलूंगा कि दे जाता है कि मतलब समझ नहीं आता कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इसका आना हुआ होगा। मैं आदरणीय टीसी सर को पता नहीं किस शब्दों में, देखिए साथियों मैं हर बार कहता हूं, शायद मैं कहने से कभी चुकूंगा भी नहीं, कि आरसीएम दुनिया की पहली और अकेली ऐसी कंपनी है जिसने पेंट जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में लाया, और यह हमारे आदरणीय सर का विजन था, उनकी सोच थी। ये तो हम भी क्या जानते थे, क्या हमें पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में पेंट किस प्रकार का, पूरी दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है, तो हमारे तो सोचने और करने का विषय ही नहीं आता। लेकिन जब हम इस बातचीत को लेकर आदरणीय सर के पास गए तो सर ने कहा यस, और सर का ही ये विजन है जिस पर हम प्रयास कर रहे हैं, जिस पर हम कोशिशें कर रहे हैं, और बहुत कुछ बड़ी तैयारियां आप कर पा रहे हैं, तो उससे ज्यादा आनंद और मुझे और किसी बात का क्या हो सकता है। साथियों आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसकी मुझे देश भर से कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ ऐसा आप कर दें, प्लीज कुछ ऐसा आप कर दें। मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं, करके देखते हैं कि कितने लोग, मैं अपनी कमिटमेंट पर रहता हूँ, कितने लोग अपनी कमिटमेंट पर रहेंगे। तो साथियों इससे पहले कि मैं उन अनाउंसमेंट्स पर जाऊं, कई सारे नए साथी होंगे, कई सारे ऐसे साथी होंगे जिन पर अभी ये रंग चढ़ा नहीं है, तुलसी पेंट्स का रंग अभी तक उन्हें उन पर लगा नहीं है, तो अभी तक शायद इसके पोटेंशियल को अभी तक उन्होंने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, समझा नहीं है। थोड़ा सा पोटेंशियल की बात करूंगा, फिर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई व्यक्ति एक मोटिवेशन में काम शुरू कर देता है, लेकिन जब काम शुरू करता है तो किन चीजों का ध्यान उसे रखना है, इस पर थोड़ी सी बातचीत करूंगा, और फिर फाइनली उन अनाउंसमेंट्स को मैं करना चाहूंगा। साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया की पेंट इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो चुनिंदा 3-4 लोग इस इंडस्ट्री को कई साल से डोमिनेट करते आए हैं, कई साल से एक बहुत बड़ा शेयर उन्होंने ले रखा है, और 35% का शेयर लगभग दूसरी अन्य कंपनियों के बीच बटा हुआ है। लेकिन साथियों क्या आप जानते हैं कि 2019 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप जिंदाल स्टील 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट में आया, और आते ही आप सोचिए साथियों 3 साल 2022 में, जबकि बीच में तो कोविड का समय था, लोग मुश्किल समय कहते हैं, उस समय में भी उन्होंने 750 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी पेंट में। और साथियों ये 600 और 700 तो कुछ भी नहीं, इंडिया का सबसे जाना माना ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप ग्राशिम पेंट्स के नाम से इंडस्ट्री का सेटअप तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सन 2024 में अगले साल 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पेंट इंडस्ट्री में आ रहा है। साथियों आदित्य बिरला ग्रुप के आते ही वो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। साथियों आप सोचिए कि ऐसा कोई कब करता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा प्लानिंग, इतनी बड़ी कंपनी कब करती है। तो एक स्लाइड में आपको बता रहा हूं, मैं नहीं जानता उसको कितना समझेंगे, मुझे ध्यान से सुनना। इंडिया में लगभग 80,000 से 90,000 करोड़ का आज का मार्केट है इंडिया का सालाना पेंट, लगभग 82,000 to 85,000 करोड़ अगर मैं स्पेसिफिक रहूं, और इंडिया को इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए 120 साल लगे, 120 years, और ये प्रेडिक्शन है साथियों कि अब इस आंकड़े को डबल करते 80,000 करोड़ से 160,000 करोड़ होने में अगले 8 साल में, ये होने जो चीज पिछले 120 साल लगे जहां पहुंचने में, बस वही काम अब अगले 8 साल में होने को, तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होने वाली है। और ये कंपनियां इसीलिए इन्वेस्ट कर रही है साथियों कि इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर हम देखें
सन 2025 में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर होगा, और मेरा तो ये मानना है कि आने वाले दशक में हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज। और ये कंपनियां जानती है कि कोई भी बिल्डिंग बिना पेंट के कंप्लीट हो ही नहीं सकती। मेरा तो मानना है कि कंपनियों का यह सोचना होगा कि करंट कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर पाएगी, इसीलिए तो इतना तुरंत हर कोई एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहा है। तो साथियों, अब सवाल यह आता है कि यह सब कहां हो रहा है? क्या यह हमारे आसपास नहीं हो रहा? क्या यह हमारे गांव में नहीं हो रहा? क्या हमारे नजदीकी शहरों में नहीं हो रहा? क्या यह हमारे रिश्तेदारों में नहीं हो? बिल्कुल हो रहा है साथियों। और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये सभी कंपनियों के लिए है, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए भी है साथियों। जब ये हो ही हमारे आसपास रहा, जब ये हो ही हमारे नजदीकी गांव और शहर में हो रहा, जब ये हो ही हमारे रिश्तेदारों में रहा, तो ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा अवसर है साथियों। और यही कारण था टाटा के कॉफी डिविजन में आरसीएम तुलसी पेंट्स लगा, यही कारण था बॉश इंडिया के हेडक्वार्टर्स में तुलसी पेंट को लगाया गया, इसी के साथ साउथ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप को आज तुलसी पेंट्स लगाया जाता है, एसएमआर होल्डिंग्स नाम से जिनका नाम। कई सारे मंदिर, कई सारे मस्जिद, कई सारी चर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सारी इमारतें जो आप देख रहे हैं साथियों, ये आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाई गई इमारतों की फोटो बता रहा हूं। और न जाने अनगिनत घरों को अब तक आरसीएम तुलसी पेंट से रंगवाया जा चुका है साथियों, जिनका हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा मैं कहूंगा तैयार हो गया। अब साथियों सवाल ये आता है कि ये कौन कर रहा है? ये सब हो तो रहा है, तो हमने देखा कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति इस पर काम कर रहे हैं जिनका पेंट का बैकग्राउंड था? क्या ऐसे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनके कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड था? बिल्कुल भी नहीं सर, ये और कोई नहीं, आपके मेरे जैसे आरसीएम के एसोसिएट बायर्स थे, मेरे यूईएस के प्रोग्राम के होस्ट्स थे, जिनको इस प्रोडक्ट के पोटेंशियल का अंदाजा लगा, जिन्हें लगा कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने इस इंडस्ट्री को सीखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को सीखा, सीख कर इस दिशा में उन्होंने काम की शुरुआत की और आज कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी तैयारियों में। साथियों कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि हर महीने में यूएस के प्लेटफॉर्म पर आकर यही कहता हूं कि साथियों पेंट जो है वो बड़े टर्नओवर वाला प्रोडक्ट है, पेंट जो है वो बड़े टर्नओवर वाला, पर क्या करूं, मैं अपने आप को रोक भी तो नहीं पाता। जब बड़े टर्नओवर देखता हूं, जब हमारी टीम को उसके बड़े टर्नओवर को अचीव करते हुए देखता हूं, तो बिल्कुल हर बार लगता है कि यार ये तो मतलब आप सोच नहीं सकते इस दिशा में आपके बिजनेस को ले जा सकता है। साथियों आरसीएम में पेंट के महत्व को अगर हम समझे तो बस इतना सोचिए, एक घर को लगने वाला पेंट 30,000 से 5 लाख रुपए के बीच हो सकता है। हर महीने आप चुनिंदा घरों को कलर करके लाखों रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेंट लगता ही नहीं। आप सोचिए कि आपकी टीम में अगर 50 पेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो 50 लाख का बिजनेस आप बना सकते हैं। एक दुकान के टर्नओवर को देखें, क्योंकि अब आरसीएम में भी पेंट की दुकानें तो देश भर में 400 से अधिक दुकानें हो गई है, एक दुकान का टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर एक दुकान आराम से बना सकती है साथियों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पिन स्किप करने वाला प्रोडक्ट, कुछ ऐसी पिने होगी साथियों जो हमारे जीवन में कभी आई ही नहीं। देश भर में अब पेंट के माध्यम से नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 4 महीने में लोग हमारी टीम में लोगों ने टेक्निकल क्वालिफाई किया है, बस पेंट पर काम करके 4 महीनों में टेक्निकल क्वालिफाई। रॉयल्टी का सेलिब्रेशन तो मैंने पेंट पे काम करने वालों को बंद करना है, मैंने कहा यार रॉयल्टी को हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे पेंट, क्योंकि अगर हम रॉयल्टी को सेलिब्रेट करेंगे तो हर महीने हम काम छोड़कर सेलिब्रेशन करने लगे। हम जानते हैं हर महीने किसी ना किसी का रॉयल्टी होना तो तय ही है, एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो उसका रॉयल्टी होना तय है। तो साथियों इस प्रकार के रिजल्ट पेंट के माध्यम से आते हैं, लेकिन आपको पहले सीखना होगा साथियों।
जिन्होंने अभी तक अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया उस ऐप को डाउनलोड कर ले। आरसीएम तुलसी पेंट का ऐप बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐप है, उसका इस्तेमाल करने हमें आना चाहिए। वो हमें काफी जगहों पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे सिचुएशन में हमें काम आ जाता है। साथियों मैं पहले दिन से ये कहता आया कि आरसीएम में पेंट पर अगर आपको काम करना है तो अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर आपकी टीम में शामिल होने चाहिए। पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क बनाकर काम करने वाला बिजनेस है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं ये कह देता हूं तो कई सारे लोग पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ला लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। नहीं साथियों, हम दूसरों पर बड़ी जल्दी काम करते हैं, हम खुद पर काम नहीं करते। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आ जाएगा लेकिन वो एक एजुकेटेड डाउनलाइन है। आज तक हमने जब जब काम किया हमारी डाउनलाइन एजुकेटेड नहीं थी, एक फ्रेश डाउनलाइन ली, उसको धीरे धीरे हमने एजुकेट किया, 4 महीने में किया, 6 महीने में किया, 1 साल में किया, धीरे धीरे वो एजुकेट होती गई और काम आगे बढ़ता गया। लेकिन पेंट में मामला ऐसा नहीं है। पेंट में हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टर 15 साल 20 साल 25 साल से यही काम करते आए, तो वो इस फील्ड की एजुकेटेड डाउनलाइन है। और जब एक एजुकेटेड डाउनलाइन आती है ना साथियों, तो अपलाइन की जिम्मेदारियां 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब जिन सवालों को हमारी एजुकेटेड डाउनलाइन पूछेगी, अगर उनके जवाब आप नहीं दे पाए तो वो आप पर विश्वास करके आगे काम नहीं कर सकती। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर पेंट पर काम करके कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत जाकर पेंट कॉन्ट्रैक्टर से ना मिले, पहले सीख ले, समझ ले। हमने अपनी ट्रेनिंगों में यह तक बताया कि हम जब किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से मिले तो क्या बात करें, हमारी बातचीत किस दिशा में होनी चाहिए, हम इस प्रोडक्ट पर काम करें तो किन चीजों का ध्यान रखें, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें करनी है, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी। उस पूरी ट्रेनिंग को लिए बिना आप पेंट पर काम मत करना साथियों, बहुत उलझ सकते हैं आप। लेकिन यह भी कह देता हूं कि ट्रेनिंग लेकर करोगे फिर आप कुछ नई दिशा में अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में लग जाओगे। साथियों जैसे मैंने कहा कि हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उनके नेटवर्क से बनाने वाला ये बिजनेस है, और हमारा एक पार्टनरशिप प्लान है। हम आरसीएम का प्लान पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिखाते, पार्टनरशिप प्लान बनाया हुआ है जिसकी मैंने कई बार ट्रेनिंग ली भी है, हम लेते भी रहते हैं। उस पार्टनरशिप प्लान को दिखा करके हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और वो बातचीत होने के बाद मैं हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होता। अब साथियों मैं 7 कार्डिनल रूल्स आरसीएम तुलसी पेंट के 7 कार्डिनल रूल्स पर आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। और वैसे आरसीएम तुलसी पेंट्स के 7 बेसिक्स हैं और 7 कार्डिनल रूल्स हैं, तो 7 बेसिक तो वो है जो हमें करना है और 7 कार्डिनल रूल वो होते हैं जो हमें कभी नहीं करना। कार्डिनल रूल वो गलतियां होती है जो हमें गलती से भी नहीं करना। तो बेसिक्स तो है ऐसे साथियों कि हम बेसिक पर हो सकता है कि आज हमने काम नहीं किया तो 2 महीने बाद कर लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन कार्डिनल रूल के ऐसे होता है साथियों कि ये गलतियां हमें नहीं करनी, लेकिन हमने अगर इस गलती को कर दिया तो फिर उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज के सेशन में कार्डिनल रूल्स को बताना जरूरी समझूंगा और फिर हम बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहला कार्डिनल रूल ये कहता है कि हमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नाराज नहीं करना है। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को हम इस सिस्टम में लाते हैं, उसके साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, उसे नाराज नहीं करना है। उसे नाराज करने में एक सबसे पहली गलती हम कर रहे हैं कि हम एंड कस्टमर को ज्वाइन कर लेते हैं जिनके घर कलर बने। तो साथियों अगर आप पेंट पर काम करना चाहते हैं तो ये गलती आप कभी भी नहीं करेंगे। हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी नाराज नहीं करेंगे जिसमें हम एंड कस्टमर को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरी चीज, पेंट में जो काम होता है साथियों वो डीपी पर नहीं होता है, डीपी पर काम नहीं करना है, डीपी को भूल जाना है। एमआरपी हमारे लिए सबसे सही चीज है, ये कमर्शियल बिजनेस है तो कमर्शियल बिजनेस की तरह काम करें। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि डीपी तो वो प्राइस होती है ना जिसमें एक डीलर को या एक डिस्ट्रीब्यूटर को माल मिल जाता है। तो क्या आप किसी, समझो कि आप किसी कूलर वाले की दुकान पर गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गए, तो आपके जाते ही क्या वो आपको उसको कितने में कूलर मिला ये प्राइस आपको बताता है?
क्या वो वहां लिख कर रखता है, ये देखो मुझे इतने में आया, मैं आपको ले दे। तो फिर साथियों हम क्यों डीपी पर बात करते हैं? तो पेंट में तो विशेष तौर पर डीपी पर काम नहीं होता, कुछ इसके तौर तरीके हैं जो हम डिटेल ट्रेनिंग में लेते हैं, लेकिन आज के लिए आप इतना समझे। दूसरा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब हम अपना प्लान बताते हैं, पार्टनरशिप का प्लान, प्रॉफिट का प्लान, तो वो हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पेंट कॉन्ट्रैक्टर की ज्वाइनिंग हम हमेशा पेंट्स के प्रोडक्ट से ही करेंगे, हम आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट से पेंट कॉन्ट्रैक्टर की ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं साथियों, तो हम उन्हें बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में तुरंत नहीं बोलेंगे जब तक उनके बैंक अकाउंट में आरसीएम से ही पैसा नहीं आ जाता। साथियों इसके अलावा हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अपना आरसीएम का प्लान नहीं दिखाते, पार्टनरशिप प्लान है जो आरसीएम का ही प्लान है, बस उसे दिखाने का तरीका अलग, हम उसी प्लान को दिखाते हैं, तो हम उन्हें प्लान नहीं दिखाएंगे। हम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क, MLM, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम कभी भी उनके साथ नहीं करेंगे साथियों। अगली चीज साथियों, आप कितने लोगों से मीटिंग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पीवी उस मीटिंग में बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट करता हूं, हमारा ये मानना है कि जितनी बड़ी मीटिंग उतना बड़ा रिजल्ट। साथियों पेंट में ऐसा मामला नहीं, यहां मामला थोड़ा सा अलग है। हम कितने लोगों से मिल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना पीवी बना रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। पेंट में आप एक से ज्यादा पेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। एक से ज्यादा पेंट कॉन्ट्रैक्टर की मतलब वन ऑन वन मीटिंग ही आप लेंगे, आप ग्रुप मीटिंग शुरुआती दौर में तो कभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है वे सभी आरसीएम सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वे हमारे परिवार के लोग जाए, उसके बाद आप भले ही ले लें, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शुरुआती मिलना हम वन ऑन वन ही करेंगे साथियों। साथियों अगला कार्डिनल रूल ये कहता है कि हम दूसरी कंपनी के पेंट के विक्रेता से कभी भी नहीं मिलेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, इसको इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। उसके अलावा साथियों पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जब मीटिंग लेते हैं तो तुलसी पेंट्स की मीटिंग में आप अन्य प्रोडक्ट का जिक्र ना करें, क्योंकि पेंट कॉन्ट्रैक्टर का फोकस बिगड़ जाता है, वे लोग काम नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा हम स्पेसिफिक रहें। और आप पेंट के साथ बाकी भी हमारे स्टोर चलाते हैं, थोड़ा प्रॉपर पेंट को अलग से रखें, प्रॉपर बाइफर्केशन लगे, क्योंकि लाखों रुपए का पेंट लेने आने वाला व्यक्ति बनती कोशिश एक और साइड में शटर लेकर के ही आप अपने दुकान की प्लानिंग करें, क्योंकि एक लाखों रुपए का पेंट लेने आने वाला व्यक्ति अगर ये देखेगा कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, तो वो हो सकता है आपके साथ लंबा चौड़ा काम करने के इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये सात कार्डिनल रूल थे साथियों। सात कार्डिनल रूल्स में आपको कह दूं, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो हमारे पास नहीं, तो क्या होता है ना, जब एक नया रास्ता डलता है, एक हाईवे डालते हैं, तो पता नहीं होता है कि कहां कहां एक्सीडेंट होते हैं, फिर कहीं कहीं एक्सीडेंट होते हैं 3-4 जगह, फिर सरकार जो है वहां आकर बोर्ड लगाती है कि यहाँ जो है आपको गाड़ी धीरे चलाना है, ध्यान से चलाना है, यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो साथियों ये गलतियां देश भर में कई जगहों पर हुई, कई सारे एक्सीडेंट हुए, और फिर हमने समझा कि भाई ये हमें वहां कुछ बोर्ड साइनेज लगाना जरूरी है कि ये गलती अब हम ना करें। तो साथियों ये वो कार्डिनल रूल्स हैं जिन्हें आपको समझ करके काम करना होगा। और पेंट पर काम करने के लिए मैं आपसे कहूंगा साथियों, पहले डिटेल ट्रेनिंग लिए बिना प्रोडक्ट पर काम की शुरुआत ना करें। शांति से हर चीज को आप समझें, सीखें। नांदेड़ का टारगेट कई सारे साथियों ने पूरा किया है, जो नांदेड़ जनवरी और फरवरी में हमने टारगेट दिया था, जिसमें 20,000 और 50,000 पीवी 2 महीनों में करना था, और नांदेड़ के फैक्ट्री का विजिट एवं ट्रेनिंग सब कुछ इसमें इन्वॉल्व था, होटल में एक रात का स्टे, 2 दिन की ट्रेनिंग, खाना, गाला डिनर, म्यूजिकल, और फैक्ट्री की विजिट, शोरूम की विजिट, हुजूर साहब गुरुद्वारे की विजिट, तो ये सब कुछ उसमें था। और बहुत जबरदस्त तैयारियां कई सारे क्षेत्र में कई सारे लीडर्स द्वारा इस पर हुई,
लगभग कहूंगा कि 700 से 1000 लोग लगभग लगभग ऐसे रहे जिन्होंने इस टारगेट को अब अचीव कर लिया। 700 लोगों से ऊपर ही हैं उन्होंने इसको अचीव किया और अब वो नांदेड़ आने की तैयारी कर रहे हैं और डिटेल ट्रेनिंग लेकर अब अपने बिजनेस को कुछ अगले मुकाम पर ले जाने की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी सर, जनवरी और फरवरी का तो हो गया, सर मार्च का क्या? टारगेट हो और वो मार्च में ना हो, ये तो हमें बात सर थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। एवं कई सारे साथियों को लगा सर हम और भी कुछ कर सकते थे और भी कुछ करवा सकते थे, तो कई सारी रिक्वेस्ट देश भर से मुझे आई। तो साथियों ये मौका फिर एक बार हमारे बीच में है, 1 मार्च से 31 मार्च के दौरान आप फिर से खुद की आईडी पर तुलसी पेंट से 20,000 पीवी करके नांदेड़ का वही ऑफर ले सकते हैं। पहले का बिजनेस कैलकुलेट नहीं होगा, जनवरी और फरवरी का आपका कोई भी बिजनेस इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, ये मार्च ओनली का टारगेट है, ये सिर्फ मार्च का टारगेट। अब एक सवाल ये आएगा कि सर हमने जनवरी फरवरी में तो किया है, अगर हम मार्च में भी करते हैं तो क्या? तो आपकी आईडी पर किसी और पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ला सकते हैं। आपने अगर मार्च में फिर से किया, क्योंकि आप जब एज ए टीम काम करोगे तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को लाना चाहोगे, अपने किसी और टीम मेंबर को लाना चाहोगे, ताकि उसके आने से एक नए बिजनेस को बिजनेस में एक नई गति आए, तो साथियों ये ऑफर आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त रहेगा कि आपने किया भी है तो आप फिर से जो है उस टारगेट को करके अपने टीम में और भी लोगों को लेकर आ सकते हैं। और 20,000 के साथ साथ जिसमें फैक्ट्री की विजिट, शोरूम की विजिट, सचखंड गुरुद्वारा के दर्शन, लग्जरी होटल में एक रात का स्टे, म्यूजिकल गाला डिनर, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग के तो हम जूम पर भी कर ले, हम हूबहू बैठ करके लगभग लगभग 2 दिन बातचीत, हमने क्लस्टर को बिल्कुल छोटा रखा है, यहाँ बहुत बड़ी मीटिंगें नहीं रखी है, 100-100 लोगों के मल्टीपल में हम करेंगे, लेकिन इसीलिए उसको ऐसा रखा है कि हम उन 100 लोगों को 100% समय देकर के 100% उनकी तैयारियों में जो है वो पूरा का पूरा हम अगले साल की प्लानिंग कर सके, कुछ नई पीकों की प्लानिंग कर सके, कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग, और तुलसी पेंट्स का टूल किट उन्हें दिया जाएगा और इसी के साथ एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। साथियों जब मैंने इस ऑफर के बारे में कुछ लीडर से बात करते उन्होंने कहा सर 50,000 पीवी का क्यों नहीं, जब पिछले महीने 20 का दिए तो 50 का भी क्यों नहीं? हमने कहा चलो ठीक है 50 का भी, जब 20 वाली चीजें हैं वो तो सब कुछ होगा, 50 वाले में जैसे फैक्ट्री की, शोरूम की विजिट, गुरुद्वारा के दर्शन, स्टे, म्यूजिकल गाला डिनर, आप ट्रेनिंग, सब कुछ 50,000 पीवी करके आप एक और व्यक्ति को साथ ला सकते हैं, एडिशनल व्यक्ति, प्लस आपको 850 रुपए का तुलसी पेंट्स का ड्रीम कलर फंड है, जो मैं आप कहूंगा कि पेंट पर काम करने वाले हर व्यक्ति का ड्रीम हो गया है कि वो चीजें मेरे पास हो, एक्सेस हो, सरप्लस हो, तो वो भी दिया जाएगा और ट्रॉफी से उन्हें मान्यता दी जाएगी। साथियों पेंट पर 20,000 और 50,000 पीवी करना बहुत मामूली है, अगर 700 लोग जस्ट स्टार्ट करके कर सकते हैं तो फिर हम तो साथियों बिल्कुल इस तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी क्लियरली आपको कहूंगा पेंट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आपको टारगेट पूरा करने के लिए काम करना, आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करोगे कि आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपने काम नहीं सकते। आप एक घर को कलर करके भी 20,000 पीवी कर सकते हैं, आप जेन्युइनली उस एक घर को कलर करके, क्योंकि जब हम नांदेड़ में आपसे आगे की बातचीत करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि फील्ड में अगर मैंने काम नहीं किया तो यहाँ मेरी ट्रेनिंग में मुझे शायद इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन आप अगर टारगेट को अचीव करते हुए आओगे, खुद काम करके फील्ड में एक दो घरों को काम पेंट करके आओगे, तो साथियों बिल्कुल आप तैयार रहोगे यहां हम आगे की चीजों को सीखें और सीखकर उन चीजों को आगे बढ़ा सकें। साथियों
मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों ने जिस चीज को मांगा था, मैंने सोचा कि मार्च के महीने में भी आप कर लें, तो आप जब अप्रैल या मई में अगले, आप अभी आने वाले अप्रैल मई में जब भी नांदेड़ विजिट की तैयारियां, और भी अधिकतर साथियों को हम अपने साथ ले आ पाएंगे और यहाँ आकर हम आने वाली एनिवर्सरी एवं आने वाले उससे अगले मार्च तक की सारी प्लानिंग को ऑन पेपर लेंगे। साथियों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से नांदेड़ में मिलने के लिए, और दुनिया में पहली बार जिस प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ, उस विषय में आपको कुछ बोलने के लिए और आपसे कुछ समझने के लिए। जो काम आप फील्ड में कर रहे हैं उससे मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप किस दिशा में आप इसे आगे लेकर के जा रहे हैं। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा सर, और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे कोर लीडर्स हमारे बीच होंगे, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय मूर्ति सर या और भी जो हमारे सभी श्याम सर या हमारे बाकी सभी कोर लीडर्स में शायद मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, उनका भी हम इस पर कहीं ना कहीं कमेंट लेंगे। और इस मार्च के टारगेट में मुझे ऐसा लगता है कि जितना जनवरी फरवरी मिला करके लोगों ने किया है, उतने या उससे ज्यादा ही लोग शायद मार्च के टारगेट को पूरा कर लेंगे, ऐसा मेरा गणित तो कहता है। मैं नहीं जानता कि फील्ड क्या कहती है या फील्ड की ऊर्जाएं क्या कहती है, तो आपको बहुत बहुत, जिन्होंने टारगेट अचीव कर लिया उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका हम नांदेड़ में इंतजार कर रहे हैं, एवं जो जिन्होंने अब नए टारगेट की तैयारी वो कर रहे हैं उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि आप इसे कंप्लीट करें, प्रॉपरली कंप्लीट करें, सीख कर करें, और सीख कर समझ कर 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 जब आप नांदेड़ आओगे तो आप हम इसे अगली दिशा में ले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी को और जय आरसीएम साथी। RCM the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.